हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ओपन लाइन एकेडमी चैनल में। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं IELTS यानी आइलेट्स। है क्या ये, क्या प्रोसीजर होता है इसका सिलेक्शन का, किस टाइप से ये एग्जाम को कनेक्ट करता है, कितने टाइप से ये है। पहले इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, क्या है ये। ये है मेरे प्यारे दोस्तों इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये है मेरे भाई आइलेट्स की फुल फॉर्म, कि भाई इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जो स्टार्ट किया गया था 1989 को, या 1989 को। क्यों स्टार्ट किया गया था, ताकि हम यूनिवर्सिटीज की, किसकी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उन सभी की मदद कर सकें। किसके लिए, फॉर बेस्ट स्टूडेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, या इंग्लिश ट्रेनी के लिए, या इंग्लिश ट्रेनर के लिए, या ट्रेनी के लिए, ठीक है ना। ट्रेनर, इंग्लिश ट्रेनर हुए। और इससे क्या होता था, कि जो कॉलेज और स्कूल यूनिवर्सिटी में बच्चों को इजीली सक्सेस मिल, इजीली एक्सेस मिल जाता था, जो इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा है। लेकिन आज भी इसका इसी तरह से काम हो रहा है। आज भी क्या होता है कि भाई, अब इसका क्या हो गया, दो टाइप से यूज होता है, ठीक है। इमिग्रेशन पर्पज से भी यूज कर लेते हैं अब, जो इमिग्रेशन होती है, या कोई एम्प्लॉयमेंट करना है किसी दूसरे देश में, अब पढ़ना है, जैसे कि इन वर्क कामों के लिए भी स्टार्ट हो चुका है अपना ये आईलेट्स। तो स्टार्टिंग में ये था, ये इसकी इंफॉर्मेशन है बेसिक। तो नेक्स्ट दोस्तों, इसको आप दो तरीके से दे सकते हो इस एग्जाम को, कि भाई जो फर्स्ट तरीका है आप लोगों का, एक है आप लोगों के पास एकेडमिक, एकेडमिक, और एक है आपके लिए जर्नल ट्रेनिंग के लिए, जर्नल ट्रेनिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें अंतर क्या है, जब आप एकेडमिक से भरोगे फॉर्म आइलेट्स का, उसमें क्या होता है, आप लोगों के पास सिंपल किसी कॉलेज में एडमिशन लेना, कॉलेज हुआ, यानी एजुकेशनल पर्पज से, ठीक है, एकेडमिक मतलब। और जो जनरल ट्रेनिंग का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन एटसेट्रा पर्पज से किया जाता है भाई। सिंपल सी बात ये याद रखो, जितना सिंपल अपने दिमाग में रखोगे उतना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को दो चीजों को पता लग गया। अब इसका टेस्ट पैटर्न क्या है, कि भाई कैसे सिलेक्शन होता है बच्चों का, क्या टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट में क्या क्या आएगा। इसमें क्या है, आपके चार फेस होंगे, दोनों में ही लगा लो, दोनों में ही क्या होंगे, आप लोगों के चार फेस होंगे, किसके, टेस्ट के, यानी कैसे टेस्ट कंडक्ट करता है ये, टेस्ट कैसे होता है आइलेट्स का। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप, आपकी आएगी लिसनिंग का, लिसनिंग का, फिर होगा आपके पास कितना, रीडिंग का, और फिर उसके बाद आपके पास किसका आएगा, राइटिंग का, फिर उसके बाद आप लोगों के पास लास्ट आ जाएगा स्पीकिंग का। ऐसे स्टेप बाय स्टेप पैटर्न चलते हैं भाई इनके, किसके, एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग के ओवरऑल। लेकिन अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं उनको ध्यान से सुनो भाई। जो लिसनिंग का है ना, लिसनिंग का, ये लिसनिंग का एक अलग पोर्शन पे लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं, इधर जो लिसनिंग का है और जो स्पीकिंग का है, आप दोनों का ना एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग दोनों में सेम रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, ठीक है।
मतलब कि सेम टू सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम रहेगा। लेकिन आपका जब रीडिंग और राइटिंग में अंतर आ जाएगा, रीडिंग और राइटिंग में ये डिफरेंस होगा, इस बात का याद रखियो, आगे पता लग जाएगा कैसे डिफरेंस होगा, ये डिफरेंट होएगा। ठीक है, इतनी बात का पता लगा आप लोगों को। अब आ जाओ, कितना टाइम है, क्या आएगा, किस हिसाब से आएगा। जो आपका लिसनिंग टेस्ट है ना मेरे भाई, दोनों में सेम रहेगा, कितने नंबर का आएगा भाई, इसमें आपके पास 14 मार्क्स पूछे जाएंगे, मैंने 14 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 14 क्वेश्चन आएंगे और आपके पास कुल कितनी मिनट होगी, 30 मिनट होगी। 30 मिनट में आपको लिसनिंग का, आपके पास हेडफोन मिलेगा, हेडफोन मेरे पास रखा हो, दिखा भी दूंगा आप लोगों को, हेडफोन मिलेगा, उसमें आपको 30 मिनट मिलेगी और एक आंसर शीट होगी। क्या होगी, एक होगी आपके पास आंसर शीट। इसमें उस आंसर शीट में आप लोगों को 10 मिनट दिए जाएंगे, कितने मिनट दिए जाएंगे, 10 मिनट दिए जाएंगे क्वेश्चन निकालने के लिए, 10 मिनट, 10 मिनट। और 10 मिनट में आप लोगों को जो 30 मिनट में आप लोगों ने क्वेश्चन बनाए हैं ना, उनका आंसर 10 मिनट में अलग सीट पे मिल जाएगा। तो ओवरऑल लिसनिंग का कितना हो जाएगा आपके पास, 40 मिनट का हो जाएगा, कितने का, 40 मिनट का हो जाएगा। और ये आप लोगों को हेडफोन मिलेगा, ऐसे करके आप लोग इसको ऐसे यहाँ लगा लोगे तो आपका एग्जाम लिसनिंग का स्टार्ट हो जाएगा। हर एक एग्जाम में, हर एक फैकल्टी में ये मिल जाएगा, जो अच्छी फैकल्टी होती है भाई। ठीक है, उसके बाद ये आपका खत्म हुआ, ओवरऑल किसमें, एकेडमिक में भी और जनरल ट्रेनिंग में भी सेम रहेगा ये, ऐसे पोर्शन। ठीक है, अब आ जाओ आपका रीडिंग में। रीडिंग में क्या होगा भाई, रीडिंग में यदि जो एकेडमिक पर्पज से करेगा, इसको उधर ले जाओ क्योंकि ये डिफरेंस है ना, सेम नहीं है ना, डिफरेंस है। जो रीडिंग पर्पज है, रीडिंग का इसमें क्या होगा आपके पास, जो एकेडमिक है ना, जो स्टूडेंट है, उनको मिलेंगे केवल 3 पैराज। जब भी तो मैं करवाता हूं पेरेशियल वर्ब, 3 पैसेज। ठीक है, 3 पैसेज भी लिख दो ताकि आप, कई बच्चे कंफ्यूज ना हो, 3 पैसेज। इसमें क्या मिलेंगे, जो जनरल ट्रेनिंग में जाएंगे, इसमें मिलेंगे आपको 5 पैराज या 5 पैसेज। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई डिफरेंस नहीं है, 40 क्वेश्चन इसमें आएंगे, एक चीज का डिफरेंस आएगा इसमें, किस चीज का डिफरेंस, 40 क्वेश्चन इसमें ही रहेंगे सेम टू सेम एज इट इज, 14 क्वेश्चन दोनों में रहेंगे, 14 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन। डिफरेंस ये है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आप लोगों की कितनी, 60 मिनट मिलेंगी, कितनी, 60 मिनट मिलेंगी, ये भी कितनी मिलेंगी, इसमें भी 60 मिनट मिलेंगी भाई, ये डिफरेंस है, 60 मिनट मिलेंगी आप लोगों को। ठीक है, दोनों में ही, एकेडमिक और जनरल टेस्टिंग में भी, जनरल ट्रेनिंग में भी 60 60 मिनट मिलेंगी आप लोगों को। ठीक है, आ जाओ अब राइटिंग में, क्योंकि राइटिंग रीडिंग डिफरेंस है ना, तो इसमें क्या होगा आपके पास, जो एकेडमिक बच्चे होंगे उनमें क्या लिखना पड़ेगा आपको, एक रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी बस, जो आपको गिवन मिलेगी रिपोर्ट, और रिपोर्ट के साथ साथ आपको एसे भी लिखना पड़ेगा, एसे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बस दो चीज लिखनी पड़ेगी इसमें, रिपोर्ट और एसे। इसमें भी सेम एज यूजुअल एज इट इज, 16 मिनट मिलेंगे आपको करने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, राइटिंग स्किल में, और राइटिंग स्किल में जो जनरल ट्रेनिंग के लोग हैं उनको क्या होगा, उनके बस एक ऐड हो जाएगा, लेटर, लेटर लिखना पड़ेगा भाई उनको, रिपोर्ट भी लिखनी पड़ेगी उनको और एसे भी। ठीक है, ये डिफरेंस होएगा बस उनके पास, ये है कि लेटर आ जाएगा उनके पास ऐड होके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है अपना पेपर का ओवरव्यू। और उसके बाद स्पीकिंग, यार स्पीकिंग में मैंने आप लोगों को बताया दोनों में सेम ही है, मतलब कि जो स्पीकिंग और लिसनिंग है ना, दोनों में क्या है, एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग की सेम ही है। क्या, कितनी मिनट मिलेंगी स्पीकिंग में आपको, 11 मिनट मिलेंगी, 11 to 14 मिनट, 11 to 14 मिनट, 11 मिनट टू 14 मिनट,
इसमें क्या होगा आप लोगों को, इसमें आप लोगों की फ्लुएंसी, कोहेरेंस, ग्रामेटिकली रेंज, ठीक है, आप लोगों की कितने कितनी फ्लुएंसी है स्पीकिंग में, क्या स्ट्रेंथ है, ग्रामेटिकली एरर तो नहीं कर रहा है ये, तभी तो मैंने आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट कर रखी है। इंग्लिश लैंग्वेज हर एक में आ रही, मैं जो इंग्लिश लैंग्वेज की आप लोगों को कराता हूँ ना, इसलिए पर्पज से कराई है कि आप लोगों को पता हो, और इसमें कुछ भी बाहर नहीं आएगा, सारा का सारा इंग्लिश ही है भाई, हर एक चीज इंग्लिश है, और इंग्लिश से बाहर कुछ नहीं आएगा इसमें। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से ओवरऑल व्यू ये समझ में आ गया पूरी सिमेट्रिक इस एग्जाम की कैसे आती है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। तो आईलेट्स में कभी ना आप लोगों को मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, आप लोगों को बता दिया ना मैंने क्या कि भाई इसमें से 100 में से मार्क्स इतने आ गए, भाई 80 आ गए, 90 आ गए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। किसमें? आईलेट्स में। आईलेट्स में क्या सिस्टम बना रखा है, आईलेट्स में हम लोगों को क्या मिलते हैं, बैंड, बैंड मिलते हैं, बैंड, ठीक है, बैंड यानी 9 बैंड, 0 to 9 होते हैं, जो सबसे कम होगा वो 0 और जो सबसे ज्यादा होगा कितना, 9 बैंड। जिसके भी 9 बैंड आ गए उसको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई उसको, एक्सपर्ट भाई, ये एक्सपर्ट है, ठीक है ना, एक्सपर्ट यूजर। जब बैंड 8 आ जाएगा उसको क्या मिलेगा, वेरी गुड यूजर। कभी कोई बच्चा कन्फ्यूज कर जाए, वही होगा तो देगा। जो 7 नंबर पे बैंड लेगा उसको क्या आएगा, गुड। जो 6 नंबर पे लेगा उसको क्या आएगा, कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट, ठीक है। जो 5वें नंबर पे आएगा उसको क्या मिलेगा, मोडेस्ट। क्या है, यूजर, 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 ठीक है। और जो 4थे नंबर पे आएगा मेरे प्यारे दोस्तों उसको क्या मिलेगा, लिमिटेड, यानी भाई वो लिमिटेड यूजर है। और जिस जो 30वें नंबर पे आएगा वो एक्सट्रीमली लिमिटेड, और जो दूसरे नंबर पे आएगा वो क्या होगा, इंटरमिटेंट यूजर। और जो पहले नंबर पे मेन ये की पॉइंट लेगा वो क्या आएगा, नॉन यूजर। और जिसको 0 आएगा ना, नो ओरिजिनली, नो ओरिजिनली, नो ओरिजिनली क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश यूजर। ये आ जाएंगे भाई, ऐसे करके इसमें मार्क सिस्टम आते हैं बैंड में, ये बैंड, ये बैंड, ये बैंड, ये बैंड, ये और ये बैंड, ऐसे करके आप लोगों का ओवर ऑल मार्किंग सिस्टम आएगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट रिजल्ट फॉर्म, यानी TRF, ऐसे करके आईलेट्स आप लोगों को मार्कशीट देगा। जैसे ही आप लोगों को बैंड ऐसे आएंगे ना, हिसाब से आपको ऐसे बैंड मिल जाएंगे। और ये बैंड डिपेंड करते हैं कि कौन सा कॉलेज, कौन सा इंस्टीट्यूशन और कौन सा कंट्री, यानी विच कंट्री या कंट्रीज अलाउ यू विद रिस्पेक्ट यूर, यू गेट यू बॉन्ड। 9 बॉन्ड गेट कर रहा है कि भाई 5 से ऊपर कौन सी कंट्री अलाउ करती है अपने देश में, ये किससे डिपेंड करेंगे आप लोगों के, बैंड से डिपेंड करेंगे भाई, ठीक है ना। और ऑल मेरे हिसाब से आईलेट्स के बारे में ये बेहतरीन इन्फॉर्मेशन हो गई आप लोगों के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ मेरे चैनल पे आप लोगों को फुल कोर्स किया जाएगा, किसका, इंग्लिश लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का मैं फुल कोर्स कराता हूँ, कराऊंगा। और आप लोगों को लेक्चर 20 हो चुके हैं मेरे, अभी 10th चल रहा प्रेजेंट में भाई, मैं कह रहा हूँ भाई मैं आप लोगों को इस तरह से करा रहा हूँ 10th की आप लोग इजिली सीख पाए, हिंदी से कोई भी बाहर जाके पढ़ सकता है भाई, क्योंकि आप लोग हिंदी से पढ़ते हो, आप लोग उन चैनलों पर जा रहे हो जहाँ पर इंग्लिश बोली जा रही है भाई, इस चैनल पर हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कराते हैं आप लोगों को बस,
ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।